रॉयल एनफील्ड सुपर मीटियोर 650 टॉप स्पीड हम टेस्ट करने वाले हैं ये वीडियो के अंदर। लेट्स सी व्हाट इज़ द टॉप स्पीड ऑफ दिस 650 सीसी पैरेलल ट्विन इंजन। मेरे हिसाब से ये 160 चली जाएगी, बट लेट्स सी। इन फिफ्थ गियर, पांचवें गियर में ही हमने 160 टच कर लिया था, तो आराम से भाई 170-175 ये चली जाती है। तो आपको ये स्पीड कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, एंड जब भी आप हाई स्पीड्स वगैरह करते हैं प्लीज़ मेक श्योर आप टोटली गियर्ड अप है। एंड ये वीडियो सिर्फ एंड सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने बनाया है, प्लीज़ डू नॉट डू ओवर स्पीड्स। आपकी सिर्फ एंड सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने ये वीडियो बनाया, ताकि आपको पता चले कि आप हाईवेज वगैरह पे चला रहे हो तो आपको एक प्रॉपर क्रूजिंग स्पीड वगैरह है वो क्या मिल सके। वैसे आप पूरे दिन इसको 100 से लेकर 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक पूरे दिन मेंटेन कर सकते हैं, मतलब अगर आपको पूरे दिन चलाना है तो आप आराम से चला सकते हैं विदाउट एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस ऑन द इंजन, स्ट्रेस ऑन योर बॉडी एंड ऑल दैट। बाय द वे, कुछ लोग पूछ रहे थे कि भाई ग्राउंड क्लियरेंस का इशू है या नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है भाई, मैं ऑलमोस्ट 7-8 दिन से इसको चला रहा हूँ, एक जगह भी ये टच नहीं हुई है, एक जगह भी। एंड मैंने इसका ग्राउंड क्लियरेंस टेस्ट किया था विथ माई यामाहा R15 विथ टू पीपल, एंड जहाँ पे मेरी R15 टच हो जाती है ये वहाँ पे भी टच नहीं होती है विथ टू पीपल, ट्रस्ट मी। आप एक बार टेस्ट राइड लीजिए, यू विल गेट टू नो योरसेल्फ। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।